सुप्रभात बच्चों, आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में अध्याय 9 कारक परिचय पढ़ेंगे। देखिए, कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब विभक्ति देखिए। विभक्ति जिस वर्ण संकेत द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उन्हें विभक्ति कहा जाता है। यहाँ देखिए, आपका लिखा है वर्ण संकेत, वर्ण मीन्स अक्षर। अब देखिए, निम्नलिखित कारक विभक्तियों को उनके चिन्ह सहित पढ़ना और याद करना। जो कारक होते हैं और जो विभक्ति होती हैं, ये उनकी तालिका है। ये तालिका बनी हुई है, यानी फ्लो चार्ट बना हुआ है, जिसको आप सभी को याद करना है। देखिए, विभक्ति, यहाँ कहा गया है वर्ण संकेत। देखिए, वर्ण संकेत बताया है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा। यहाँ आपका प्रथमा या संबोधन हो जाएगा, यहाँ अष्टमी हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए, कारक, कारक के भी अपने नाम होते हैं। देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इनके अपने अलग अलग चिन्ह होते हैं। देखिए, विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति जो होती है उसका कारक होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक, और इसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कारक होता है कर्म, इसका चिन्ह होता है को। तीसरा, तृतीय विभक्ति करण कारक, जो तृतीय विभक्ति होती है उसका जो कारक होता है उसको हम करण कारक कहते हैं, इसका चिन्ह होता है देखिए से या के द्वारा। फिर देखिए, चौथा, चतुर्थी विभक्ति, इसका जो कारक होता है उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक जो होता है उसका चिन्ह होता है को या के लिए। फिर आपका आता है पांचवा, देखिए, पंचमी विभक्ति, इसका जो कारक होता है उसको हम अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए से अलग होना, यानी जहाँ भी से का चिन्ह हो और वस्तु कहीं अलग होती है किसी चीज़ से, तो वहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। फिर देखिए षष्ठी, छठा विभक्ति, यानी षष्ठी विभक्ति, इसका जो कारक होता है उसको हम संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है का, की, के। फिर आता है आपका सप्तमी, यानी सातवां जो विभक्ति होता है उसको हम सप्तमी विभक्ति कहते हैं। इसका कारक होता है अधिकरण कारक, और इसका जो चिन्ह होता है में या पर। में या पर, जहाँ भी कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर या किसी चीज़ के नीचे होती है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है, और यहाँ वहाँ अधिकरण कारक हो जाता है। फिर आपका आता है आठवां, प्रथमा या संबोधन विभक्ति, यहाँ अष्टमी नहीं लिखते हैं, प्रथमा या संबोधन ही लिखते हैं, और इसका जो कारक होता है उसको हम संबोधन कारक कहते हैं, और इसका जो चिन्ह है वह है देखिए हे, अरे या भो। इसके बाद आपको चिन्ह दिख रहा होगा सबके बाद, हे के बाद ये चिन्ह लगा हुआ है, फुल स्टॉप और बिंदी, अरे के बाद भी लगा हुआ है, भो के बाद भी। तो जहाँ भी आप संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं वहाँ संबोधन कारक के बाद इस चिन्ह का प्रयोग होता है, इस चिन्ह को लगाया जाता है। अब देखिए, संबोधन में जब हम किसी को पुकारते या बुलाते हैं तो प्रथम विभक्ति के रूप का प्रयोग करते हैं। जब भी पुकारते या बुलाते हैं तो प्रथम विभक्ति के रूप का प्रयोग करते हैं। जो हमारा जब रूप चलता है तो जो उसमें प्रथम विभक्ति का जो रूप होता है उसका हम प्रयोग करते हैं, और उसके साथ हम ये जो चिन्ह है इन चिन्ह को लगा देते हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है, देखिए, हे गोविंद अत्र आगच्छ, हे गोविंद यहाँ आओ, अत्र मीन्स यहाँ, आगच्छ मीन्स आओ, हे गोविंद यहाँ आओ। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर 9 कारक परिचय, यानी कारक का परिचय खत्म होता है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़िएगा, और इसके जो भी अभ्यास कार्य है आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे, उसको आप सभी कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।